जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। वर्तमान में बहुत सारे लोग SSC GD के मतलब कि एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ दिल्ली पुलिस की फिजिकल की, MP पुलिस की फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं अलग अलग एग्जामों में, आगे पुलिस आने वाली है, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमें 14 दिसंबर को प्रॉपर हमें 1 साल हो गए हैं SSF में लगे हुए, SSF की जॉब करते हुए। हमने 14 दिसंबर 2022 को ही ज्वाइन किया था, आज 14 दिसंबर 2023 हो चुका है, 1 साल हो गया हमें 14 दिसंबर को, ठीक है। 1 साल हो गए हैं तो भाई हमें भी कुछ लड़कों भाई भाई भाइयों बहनों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें ये बताइए कि 1 साल बाद SSF की सैलरी कितनी बढ़ जाती है, कितनी आपकी सैलरी हो गई है, कितनी सैलरी थी शुरुआत में, वो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या बढ़ता है, और जब ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग दे तो सैलरी कितनी थी, कौन सा अलाउंस नहीं मिलता था, वर्तमान में कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। एक चीज़ और क्लियर डाउट करना है आप सभी का, बहुत सारे लोगों का डाउट है सर आपको रहने की तथा खाने की व्यवस्था है कैसी है, खुद को करना पड़ता है कि मतलब सरकार की तरफ से हमें बैरक मिलते हैं रहने के लिए फ्री में, या हमें मैस होती है कि नहीं होती, ये डाउट होते हैं, बहुत सारे डाउट हैं, वो हम बताएंगे, ठीक है। हम अब लास्ट तक हमारे वीडियो में जुड़े रहिए, हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और एक चीज़ सबसे पहले कि आप बहुत सारे व्यक्ति हैं जो वैसे ही वीडियो देखते चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक हमने किसी वीडियो में नहीं आपसे कहा कि सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि हमने एनालिसिस देखा जब यूट्यूब का, तो हमने देखा भाई हमारे जो भी जितने भाई बहने हैं सब यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, लेकिन 70% 80% व्यक्ति हैं जो हमारे अनसब्सक्राइबर्स हैं, मतलब कि जो सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, वो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भाई आप लोगों का सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, तो आप जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो हम जो टॉपिक पे थे उस टॉपिक पर वापस आते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं क्या कि हमारी सैलरी से रिलेटेड, पहले जब हमने ज्वाइन किया था, हमने ज्वाइन कब किया था, हमने ज्वाइन किया था 14 दिसंबर 2022 को, तो हमारी वो 16 दिन की अलग सैलरी आई थी, 30 तारीख को 31 दिसंबर को ही आ गई थी। वो नियम बताएंगे आपको, बताएंगे जनवरी की 2023 की जनवरी की सैलरी, तो 2023 की जनवरी की सैलरी में आपको बताएंगे, तो साइड में आपको दिख रहा होगा नोटिस, मतलब कि मैसेज का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, मैसेज का स्क्रीनशॉट जिसमें दिख रहा होगा कि हमारी जनवरी की सैलरी कितनी है, 37,521 रुपये है, जनवरी की सैलरी 37,521 रुपये है। ये फरवरी में आएगी जनवरी की सैलरी, 1 फरवरी की है, मैसेज दिख रहा होगा, ठीक है। तो 37,521 रुपये बनी, ठीक है। इसमें क्या क्या था, कौन कौन सी बेसिक मतलब कि भत्ते थे, वो बताएं पहले हम। तो भत्ते में पहले क्या क्या था, एक तो बेसिक पे होता है, बेसिक पे कहाँ से, कांस्टेबल का लेवल 3 होता है, बेसिक पे कितने शुरू होता है, 21,700 से शुरू है हमारा, ठीक, 21,700 बेसिक पे। DA DRNS अलाउंस, मतलब कि महंगाई भत्ता, उस समय महंगाई भत्ता 38% था, ठीक है। HRA भी लगभग 6,000 रुपये मिलता है, 27% मिलता है दिल्ली का HRA, ठीक है। TPT 5,000 के समथिंग मिलता था, तो ये होगी टोटल इतनी, जो ना तो मैथ कटिंग मिलती है हमें, ना तो मैस कटिंग मिलती है, और बहुत से बैरक अलाउंस नहीं मिलती है, बौद्धिक अलाउंस भी नहीं मिलता, दिल्ली में कोई देश ही नहीं है इसलिए अलाउंस नहीं दिया जाता। अब हम आगे बात करें हमारी ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में हमें कितनी सैलरी मिलती थी ये बात करें, तो साइड में आपको एक मैसेज दिख रहा होगा, मैसेज का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इसमें मैसेज स्क्रीनशॉट में क्या दिख रहा होगा आपको, कितनी सैलरी हमारी जब अंडर ट्रेनिंग पहुंच चुके थे, तो शुरुआत में हमारी अंडर ट्रेनिंग सैलरी कितनी थी, 33,000 कुछ थी, 33,334 थी समथिंग, इतनी थी, ठीक है, इतनी वेतन मिल रही होगी। अब इसके बाद हम बात करें कि हमारी 1 साल के अंदर कितनी वेतन बढ़ गई, जो वेतन 3 बार बढ़ती है साल भर में, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है उसकी 3 बार ही बढ़ती, कैसे, 2 बार तो बढ़ता है महंगाई भत्ता है, DA मतलब डियरनेस अलाउंस, मतलब कि महंगाई भत्ता 2 बार बढ़ता है 4-4%, ठीक है, 8% साल भर बढ़ जाता है। एक तो बढ़ता है जनवरी में, जनवरी का मतलब घोषणा होती है मार्च अप्रैल में, लेकिन बढ़ता है जनवरी से, एक तो बढ़ता है जुलाई में, लेकिन घोषणा होती है अक्टूबर नवंबर में, लेकिन बढ़ता है जुलाई से 2 बार। और एक चीज और होती है कि हर साल क्या बढ़ता है आपका, एक वो लगता है इंक्रीमेंट लगता है, वो कब लगता है इंक्रीमेंट, वो इंक्रीमेंट लगता है आपका जुलाई में, कोई कोई व्यक्ति जनवरी में भी ट्रांसफर करा देता है अपना इंक्रीमेंट, वो फिक्स लगता है 700-750 ऐसे ही लगता रहता है, हर साल बढ़ता रहता है। तो हर साल ये चीज तो बढ़नी बढ़नी है, DA बढ़ेगा और बेसिक पे बढ़ेगा, बेसिक पे ही पे हर परसेंट पर, हमने कहा 46% DA है अभी वर्तमान में, तो वो 46% किस में मिलेगा, बेसिक पे का 46% हमें वेतन में जुड़ के मिलेगा, ये होता है, हर चीज काउंट होती है बेसिक पे, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। तो अभी वर्तमान में हमारा बेसिक पे 22,400 हो गया, और हम अगर दिखाएं आपको कि हमारी सैलरी कितनी होगी, ये हम बता रहे हैं ना, जो सैलरी बताए NPS कट के आ रही है, NPS मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, जो आपका फंड कटता है ना वो समझ लीजिए, आप नहीं जानते होंगे तो वो कट के आता है। तो वर्तमान में हमारी सैलरी जैसे नवंबर मंथ की दिखाएं, अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर की तो आई नहीं होगी, तो नवंबर मंथ का मैसेज देख सकते हैं, 40,400
80 होगी। कितनी? स्क्रीनशॉट देख रहा होगा मैसेज का, 40,480 रुपए सैलरी हो गई है। शुरुआत में हमने जनवरी की कितनी दिखाई थी? 37,521। वर्तमान की सैलरी कितनी दिखा रहे हैं हम आपको? 40,480 रुपए दिखा रहे हैं, मतलब कि 3,000 रुपए, प्रॉपर 3,000 रुपए बढ़ चुके हैं। एक साल में हमारी सैलरी कितनी बढ़ गई है? 3,000 रुपए बढ़ गई है। अब ये अंदाजा लगा सकते हैं, इस जब नई ज्वाइनिंग हमारी 3,000 रुपए बढ़ गई है, तो हर साल और ज्यादा इंक्रीमेंट होगी। अगले साल 3,500 हो सकती है, फिर 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। अगर 10-15 साल सैलरी कर लें, मतलब नौकरी करेंगे, तो आपकी सैलरी 80-90 हज़ार आराम से पहुंच सकती है, पहुंच जाती भी है, पर पहुंच सकती क्या है। जो भाई पुराने हैं उनके अभी 90-90 हज़ार है, तो जब हम करेंगे आगे, जो भी आप भी करोगे, तो कितनी सैलरी पहुंचेगी, ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि पहली चीज बताई कि शुरुआत में हमारी 37,500 सैलरी थी, वर्तमान में हमारी 40,000 सैलरी है, और ट्रेनिंग टाइम पे हमें 33,500 के समथिंग सैलरी मिलती थी। लेकिन ट्रेनिंग टाइम पे हमें क्या नहीं मिलता था, देखो कौन सा हमने 3-4 अलाउंस बनाया जिसमें से हमें टीपीटी नहीं मिला, ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलता। ट्रेवलिंग अलाउंस जो यहाँ से वहां जाने का होता है, ड्यूटी करने का होता है, वो नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि हम ट्रेनिंग में कहीं बाहर तो जाते नहीं थे ड्यूटी करने, केवल ट्रेनिंग ही कर रहे थे, इसलिए वो चीज हमें नहीं मिलती थी। एच आर ए मिलता था, सब मिलता था, ठीक है। ये चीज होती है डीए एच आर ए मिलता था, लेकिन टीपीटी नहीं मिलता, टीपीटी में ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक, ये चीज होती है। अब और बहुत सारे चार है कि भाई मैस आपकी मैस होती है कि नहीं होती है, तो मैस का हम बताएं। तो एसएसएन में मैस मैस कोई नहीं है, बटालियन कुछ नहीं है। आप जाओगे ड्यूटी करोगे, आपको खुद रहने की व्यवस्था, रहने के लिए एचआरए मिलता ही आपको। अगर सरकारी क्वार्टर चाहिए तो अप्लाई करिए, अप्लाई करने के बाद 1 महीने 2 महीने जितना टाइम लगेगा वो आपको मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखें। और दूसरी चीज, मैस कुछ नहीं है, आपको खुद बनाना पड़ेगा। अगर फोर्स नहीं है ये समझ लीजिए, अगर फोर्स होती तो आपको मैस मैस सब मिलता, क्योंकि जो बटालियन है, जैसे हर हर मतलब कि अर्धसैनिक बलों में क्या होता है, बटालियन होती है, बटालियन में मैस होता है, रहने की व्यवस्था होती है, हर चीज होती है। लेकिन ऐसे करने ऐसा कुछ नहीं, आपको खुद ही रहना पड़ेगा खुद। लेकिन एक चीज है आपको इसमें, और जैसे अर्धसैनिक बलों में, तो आप उनके हिसाब से चलना पड़ता है आपको, कि आप यहीं पर रहेंगे, यहीं पर करेंगे, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, ड्यूटी करिए, आज ड्यूटी की जाइए अपनी, फिर कल दोबारा आइए, ड्यूटी के बाद कहीं जाइए, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये चीजें थी, और कोई भी डाउट हो, जो भी हम वीडियो में भूल चुके हों, वो जरूर हमें बताएं कमेंट में। जो भी बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है, इंस्टाग्राम आईडी हमने लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, तथा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, उससे जरूर जुड़े, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम वीडियो लाते रहेंगे। और एक चीज जरूर ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब कि जो व्यक्ति आते हैं ना, वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो व्यक्ति देखते हैं। 70-80% व्यक्ति ऐसे हैं, जो 20% व्यक्ति हैं, 20-25% वो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वही वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी प्रकार से हम वीडियो लाते रहेंगे। एक और लड़कियों के लिए हमने जॉब प्रोफाइल की वीडियो डाल दी है, लड़कों की वीडियो डाल दी है, फुल डिटेल वाली ऐसे की वीडियो डाल दी है। चैनल पे जाके जरूर देखें, ये जरूर देखें, चैनल पे जाके, हमारी चैनल पे जाएं, वहां पर आप वीडियो में जाके, कोई मतलब कि एक प्लेलिस्ट नहीं बनाई हमने, चैनल पे जाके वहां पर नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आपको एक फुल डिटेल मिलेगी ऐसे की, तो वह जाके जरूर देख ले, पूरी छुट्टी से लेकर हर चीज की डिटेल दी गई है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।